गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे आए हो? आप लोग सब सही होंगे। आज आज है बच्चों के स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन किया जा रहा है। आज ये है स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल बागेश्वर, देख सकते हैं ये इधर हो रहा है क्रिसमस सेलिब्रेशन। अभी आपको ले चलते हैं हम प्रोग्राम की ओर, तो चलिए आप भी हमारे साथ। ये देख सकते हैं लोकेशन, काफी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। इधर हो रहा पर धाक जमाने का पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता था, इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक। लेकिन उन्हें रॉक की काबिलियत का अंदाजा नहीं था। ये कहानी एक ऐसे जाबाज एजेंट की है। Did not write a book. They did not send a substitute. No. When God got ready to save the world, he offered the best that he had, his one and only son. And in sending Jesus, he was really sending himself. This is the wonderful truth of Christmas. Emmanuel, God with us. Let us join the hymn, Joy to the World, thus expressing our happiness at the birth of life. City decorations. Children welcome Santa Claus with gifts and candy. Gifts and cards are exchanged with friends and family. Christmas marks the end of a year, celebrating the year gone by and also being hopeful for the new year ahead. So today, as we have gathered here to celebrate this beautiful festival of the birth of Jesus, who being the Son of God, came into this world to save the humanity. It is a joyous moment for all of us. So let us begin our program with prayer. The prayer be rooted in the love, power and knowledge of Jesus. Now I request everyone to join us in the prayer. होगा कैसा होगा, कहां चला गया, हमेशा ये भटक जाता है। जरूर किसी पेड़ या चट्टान पे चढ़ गया होगा। ओह देखो, झाड़ी में फंसा हुआ है। ओहो आजा, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है, मेरे साथ रहा करो, हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे आना पड़ता है। ओहो देखो तो कितने कांटे लग गए हैं तुम्हें। अरे ये खून कहां से आ रहा है? ओहो कितना गहरा घाव हो गया है, पैर में भी लग गई है चोट। अब तो इसे गोदी में ही ले जाना होगा। आ जाओ, आओ मेरे पास आओ। कैसे गडरिए हो भैया, 99 भेड़ों को छोड़ इस एक अटके हुए भेड़ के पीछे चले आए। अच्छा बताओ, वैद्य की आवश्यकता किसे होती है? बताओ बताओ, रोगी को। और ये भी बताओ कि प्रेम की आवश्यकता किसे होती है? जो हमसे दूर चले जाते हैं। ईश्वर जाने भैया,
ये ज्ञान इस छोटी सी उम्र में कहां से प्राप्त हुआ है? काका ईश्वर से। आज की रात कुछ अलग है। हाँ काका, क्या दम लकड़ियाँ खत्म हो गई? जल्दी से थोड़ी और लिया। ठीक है काका, लाता हूँ अभी। अरे काका, ये उजाला कैसा? दाऊद दाऊद पीछे। डरिए नहीं, देखिए मैं आप सबके लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर बेथलेहम में हमारे मुक्तिदाता, आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। चलो चलो बेथलेहम जाकर इस घटना को देखे जिसे प्रभु के दूत ने हम पर सुन रहे हो ना, हम बेथलेहम पहुंचने वाले हैं। हाँ बेथलेहम, अपने सामान को सुरक्षित रखना और खास तौर से वो भेंट का सामान, हमें प्रभु मसीह को भेंट करना है। कोई देर कर
एक सप्ताह से पेट में अन्न का दाना नहीं गया। मैं भूखों मर रहा, कोई तो दया करे। शुरू हो गया तानवीर, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। इस भीषण ठंड में मेरी हड्डियां पिघल रही है, मुझे कुछ कपड़ा दे दो, मुझे कुछ कपड़ा दे दो। इसको तो भूख लगाई हुई, लेकिन मैं कहाँ से लाऊं अब तो? लेकिन मुझे तो करना पड़ेगा। अरे भाई साहब सुनिए, अरे सुनिए तो, अरे भैया मुझ पे दया कर। हाँ 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 माधु जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास दूध रखा है, ये लीजिए। अरे ना समझ, प्रभु मसीह को क्या रहने दोगे, खाली हाथ जाओगे? अरे देखो देखो, हम उस स्थान पर पहुंच गए जैसा कि प्रभु के दूत ने कहा था। ये तो तीनों राजा जैसे लग रहे हैं। अरे नहीं, ये तो ज्ञानी लग रहे हैं। अरे अरे देखो तो, ये लोग भेद में क्या चढ़ा रहे हैं? सुनो, लोभन इतना महंगा कलस रख रहे हैं, वैसे हम भी रख देते हैं। मुंह क्या देख रहे हो, अब क्या चढ़ाओगे? यूसी,
जैसे मुझे लगता है बच्चे को ठंड लग रही है, कहीं से कुछ बोलने के लिए। महाराज जी ये लीजिए, ये कपड़ा इन्हें उड़ा दीजिए, इन्हें ठंड नहीं लगेगी। आओ आओ भाई, हम प्रभु मसीह को दंडवत करें। देखो तो हमारा दान किसी ने नहीं छुआ, लेकिन तुम्हारा दान प्रभु मसीह ने ग्रहण किया। तुम्हारा दान सबसे उत्तम दान है। प्रभु बलिदान की अपेक्षा प्रेम और दया चाहते। तुमने किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने प्रभु मसीह के लिए ही तो किया। पर माता जी, मैंने ऐसा क्या किया? तुमने भूखे को भोजन दिया, प्यासे को पानी पिलाया और नंगे को अपने वस्त्र दिए। तुम्हारा दान सर्वोत्तम है। जाएंगे तो डिस्टर्ब इधर आइए। आई एम गोइंग टू टेल यू वन स्टोरी। द देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था अपने पापा के साथ
ठंड के मौसम पर उसको वो चाहता था कि उसके लिए अच्छे जूते हो, he wanted to have a good shoes. So went to buy a pair of shoes for him. अपने लिए एक जोड़े जूते खरीदने के लिए गया मार्केट. पापा के साथ जाते वक्त वो गाड़ी में गया. चलते फिरते दुकान में जाते रहे, पता करते रहे रेट क्या है. तो उसने देखा, उस छोटे से लड़के ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के रास्ते किनारे बैठा हुआ है और वो ठंड से पिटूर रहा है. He was shivering. Boy had old shoes. But then this man did not have his shoes. वो पिटूर रहा था तो बच्चे को तरस आया. पापा को देखा और उस व्यक्ति को देखा. और तरस आने के बाद पापा के साथ वो दुकान चला जाता है, मार्केट चला जाता है और शॉप में जाके एक अच्छा से जूता खरीद लेता है. पापा से पूछता है, पापा वो दूर में देखिए वहां पर वो उस व्यक्ति के पैर में जूते नहीं है, उसके जूते के नंबर कितने होंगे. तो पापा ने अंदाजा लगाया और उस व्यक्ति के जूते के नंबर 8 होंगे. तो दोनों शॉप में चले जाते हैं. पापा से कहते हैं, पापा इस बार मुझे अपने लिए जूते नहीं चाहिए, मुझे 8 नंबर के जूते, सबसे अच्छे महंगे जूते खरीद लीजिए. पापा ने पूछा, किसके लिए. मैं व्यक्ति को देना चाहता हूं. और पापा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आपके लिए आपकी ख्वाहिश यह है कि 8 नंबर की जूते मैं खरीद को देता हूँ. उन्होंने दे दिया. करीब 800-900 रुपए के जूते थे, अच्छे जूते. बच्चे को दे दिया. बच्चे ने कहा चलो पापा हम लोग इस वक्त पैदल चलते हैं. तो पैदल चलते चलते उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं जिसके पास जूते नहीं थे. और बच्चे ने जितने भी अपने बॉक्स में पापा मम्मी उसको रोजाना 1 रुपए देते थे उसको बॉक्स में इकट्ठा करता था. वो इकट्ठा बॉक्स में अपने साथ लेके आया था ताकि वो अगर पापा के पास पैसे कम पड़ेंगे तो अपने पिगी बॉक्स से वो दे दे. और उसके बाद पापा ने उसको जूते खरीद लेके दे दिए पिगी बॉक्स में उसके. शर्मा नहीं रख रहे.
लोहनी अपना बलून बचाओ, अपना बलून ओके गाइस, ये हो गया क्रिसमस के सारे प्रोग्राम हो चुके हैं। अब बच्चों के चल रहे गेम, अब हम चलते हैं। तो चलिए बाय बाय।